इसका उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप इसको डायरेक्ट सॉइल के अंदर गुड़ाई करके यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब लास्ट टाइम हम लाइव आए थे यूट्यूब पे, तब काफ़ी क्वेरी आई थी कि इस टाइम पे हम कौन सा खाद डाल सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर जो है प्लांटों को दे सकते हैं। तो देखिए, अभी जो है हल्की हल्की सर्दियां जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी जब हम फर्टिलाइजर देंगे प्लांटों को, तो क्या है वो प्लांट को क्या है, जब तेज बर्फ पड़ेगी उस टाइम पे प्लांट को बचाने में काम करेगा। और जो फर्टिलाइजर है आपको इस टाइम पे कंटिन्यू डाल सकते हैं, जब बर्फबारी होती है उस टाइम पे आप इसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फर्टिलाइजर के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का हमारा वीडियो बेस्ट फर्टिलाइजर पर है, जो कि हम विंटर में यूज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको जो है केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करें कि आप अपने जो वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर कम यूज करें। वेजिटेबल प्लांट्स के अंदर तो बिल्कुल ना करें, फ्रूटिंग प्लांट्स में आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी जरूरत पड़ सकती है उनकी। बाकी वेजिटेबल प्लांट्स जो भी आप ग्रो करते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक रखें। वेजिटेबल प्लांट्स के लिए आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मैं बताऊंगा वीडियो में वो यूज करना। बाकी प्लांट्स जैसे बोनसाई आप ग्रो करते हैं, इंडोर प्लांट्स है, फूलों के प्लांट्स है, और इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आप जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, डीएपी। डीएपी फर्टिलाइजर का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। इसकी फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो फर्टिलाइजर है सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। सर्दियों में होने वाली फसल के लिए खेतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 18% जो है वो नाइट्रोजन है और 46% जो है फॉस्फोरस है। ये सॉइल में जो है नमी को बनाए रखता है और ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, यानी कि ये जल्दी से जो है घुलता नहीं है। इसको जो है जैसे हम जुताई कराते हैं ऐसे आप मिट्टी के अंदर रख सकते हैं। आप इसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पॉट्स वगैरह में डालते हैं तो इसके 4 से 5 दाने यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो उसके लिए आप इसका उपयोग ना करें। उसके लिए मैं आपको आगे चलकर जो है ऑर्गेनिक खाद जो है वो बताऊँगा। डीएपी का जो उपयोग है आप 15 से 20 दिन के अंतराल में अपने पौधों पर कर सकते हैं। नंबर दो, एनपीके। एनपीके में एन नाइट्रोजन होता है, पी फास्फोरस होता है, और जो के होता है वो पोटाशियम होता है। ये कितनी कितनी मात्रा में होता है, यानी कि तीनों चीज़ कितनी कितनी मात्रा में होती है, ये उसके रेशो पर डिपेंड करता है। आपने एनपीके के पैक पर देखा होगा लिखा होता है 19:19, 20:20, ऐसे जो रेशियो लिखे होते हैं वो उनकी मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे कि एनपीके 19:19 के अंदर जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि तीनों चीज़ें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम तीनों बराबर मात्रा में है। एक गार्डनर के लिए बेस्ट है कि आप 19:19 यानी कि जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है वो रखें। मैं तो हमेशा जो है एनपीके फर्टिलाइज़र 19:19 ही रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है तीनों जरूरी पोषक तत्व जो है वो मिल जाते हैं प्लांट्स को। यानी कि अगर आपके पास और कुछ फर्टिलाइज़र नहीं है तो कम से कम आप एनपीके फर्टिलाइज़र रख सकते हैं, ताकि अपने पौधों को दे सकें। एनपीके कितनी मात्रा में देना चाहिए, देखिए वैसे तो इसको जो है 1 स्पून 1 लीटर के अंदर दिया जाता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं या आपको जो है फर्टिलाइज़र की इतनी जानकारी नहीं है तो पहले 1 लीटर के अंदर 1/2 चम्मच ही जो है उसका उपयोग करें। कुछ दिन उसका उपयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी, फिर आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ाकर उसकी यूज़ कर सकते हैं। एनपीके को भी आप जो है 15-20 दिन के अंतराल में पौधों में दे सकते हैं। इसका स्प्रे जो है पत्तियों पर कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, एनपीके जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, तो ज़्यादा मात्रा में इसको उपयोग करेंगे तो आपके पौधे जो है वो जल सकते हैं। इसका कंटिन्यू यूज़ करने से इसका रिजल्ट जो है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और एनपीके फर्टिलाइज़र भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसे भी अगर आप ऑर्गेनिक प्लांट्स में यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। एनपीके का मोस्टली यूज आप इंडोर प्लांट्स में, आउटडोर प्लांट्स, आपके जो डेकोरेटिव प्लांट्स है, बोनसाई प्लांट्स है, इस तरह के प्लांटों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर तीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पौधों को एनपीके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर आदि। इन सब का भी एक अहम रोल होता है, जिससे कि पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाए और फल फूल जो है वो अच्छे दे पाए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो है पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहें तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप अपने नज़दीक के किसी सीड्स की शॉप पर जाकर भी इसका पता कर सकते हैं, या कोई गार्डन स्टोर है तो वहाँ पर पता कर सकते हैं। नंबर चार, कंपोस्ट। कंपोस्ट ऑर्गेनिक है
और इसे आप सभी तरह के पौधे में दे सकते हैं, आप सब्जियों में दे सकते हैं, फूलों में, फलों में, जैसा ही आपके पास प्लांट है सभी तरह के प्लांटों में दे सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसका उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप इसको डायरेक्ट सॉइल के अंदर गुड़ाई करके यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप इसको पानी में भिगोकर इसकी जो कंपोस्ट टी है वो बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो भी कंपोस्ट है उसको पानी में भिगोकर रख दीजिए, कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसको रखिए, और उसके बाद आप एक दो बार उसको बीच में किसी डंडे से हिलाते रहिए। बाद में आप इसको छान कर जो छना हुआ पानी है उसका उपयोग एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरह से कंपोस्ट टी तैयार कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। कंपोस्ट आप गोबर से, पत्तियों से, किचन वेस्ट आदि से बना सकते हैं, या फिर आप बना बनाया जो कंपोस्ट है वो भी ले सकते हैं। गाय के गोबर से बना अच्छा वर्मी कंपोस्ट जो हमारे स्टोर पर भी अवेलेबल है। नंबर 5, बोन मील। बोन मील के बारे में मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मुझे मिला है। जैसे कि मेरे चीकू और अनार के प्लांट के अंदर जब हमने इनको यूज़ किया था तो उसमें जो फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, चीकू में जो फ्रूट है इस बार भी अच्छे आए हैं। और बोन मील जो है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मार्केट में जो है बोन मील आपको अलग अलग तरह से मिल सकते हैं, जैसे कुछ जो फर्टिलाइज़र है बोन मील के उसमें सिर्फ हड्डियों का चूरा होता है, कुछ में कोई और चीज़ मिली होती है, तो इस तरह से आता है। मेन बोन मील का मतलब ये होता है कि हड्डियों का चूरा। हमारे पास जो हमारे स्टोर पर जो है बोन मील उसके अंदर जो है बोन्स के साथ जो है यानी कि हड्डियों को चूरे के साथ साथ जो है चिकन पूप है। इसका मिक्सचर इसलिए है क्योंकि हड्डियों का जो चूरा होता है वो प्लांट को अच्छी मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम देता है, और जो चिकन पूप्स होते हैं यानी कि जो मुर्गी की बीट होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो जो है प्लांट की ग्रोथ को एकदम से बूस्ट कर देता है। सर्दियों में इसे डालना काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो गर्मियों में इसका उपयोग ना करें या करें तो बहुत ही कम करें। इससे आपके पौधों में अच्छी फ्लोरिंग आएगी, फूलों का साइज बढ़ेगा। गुलाब जैसे फूलों के पौधों में तो इसकी खासकर आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, नीम खली। नीम खली यानी कि नीम की खल। जब नीम के बीज से ऑयल निकाला जाता है तो बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम जो है नीम खली कहते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। नीम खली पौधों को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, साथ ही ये जो है पौधों को जो है इंसेक्ट से बचाती है। इसको अगर आप सॉइल में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जो सॉइल के नीचे के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे ये पौधे को बचाती है। इसका उपयोग भी आप जो है गुड़ाई करके आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको भी पानी के अंदर भिगोकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नीम खली जो है आपको हमारे स्टोर पर भी मिल जाएगी, और आप अमेजोन से लेना चाहें तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीम खली, बोन मील, इस तरह के जो खाद है वो आप ज़रूर रखिए अपने पास। नंबर 7, मस्टर्ड केक। देखिए सरसों जो होती है उसकी भी खल होती है जिसको सरसों की खल कहते हैं। नीम की तरह सरसों का भी जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ही सरसों खल कहते हैं। इसे पशुओं को खिलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, गांवों में खासकर ये इजीली मिल जाती है। अगर पुरानी मस्टर्ड केक आपके पास पड़ी है तो आप उसको डायरेक्ट सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कंपोस्ट को ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ताज़ा खल है तो उसको आप डायरेक्ट डालेंगे तो उससे फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है, फफूंद जो है वो लग जाती है। आपके पास ताज़ा खल है तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर फिर उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि 10 लीटर पानी के अंदर 1 किलो खल है उसको भिगोकर रख दीजिए 24-48 घंटे के लिए, उसके बाद उसको छानकर आप उपयोग कर सकते हैं। उसको भी आप डायरेक्ट डालने के बजाय एक पार्ट को 5 पार्ट पानी में मिलाकर उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ फर्टिलाइज़र थे जिसको आप अपने पौधों में इस टाइम पे डाल सकते हैं, और आपके पास इनमें से कौन कौन से फर्टिलाइज़र है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।